गा भी देते ना तो भी कुछ लोग गाली देते उनको, नहीं गाए तो भी गाली दे रहे, तो ऐसा तो मतलब ये बल्कि चीत भी गलत पट भी गलत। राकेश मिश्रा जी भी खड़े हैं और साथ में अनुपमा यादव भी खड़ी हैं। वो एक गाना गाती है पियर फराक वाली और उधर से रिएक्शन आता है कि हम अपना गाना गाएंगे, दूसरे का गाना हम कहे गाए। ये अच्छा लगा, ये भी बात ठीक है, मस्त है। मुझे इस बात का फक्र है कि मैं जो लाऊंगा उसका दुनिया बात करेगा, हम किसी की बात गा भी देते ना तो भी कुछ लोग गाली देते उनको, नहीं गाए तो भी गाली दे रहते हैं। पवन भैया के हम गाना है वो गाई ना कि दुनिया में सब कुछ करिए बतिया कहीं प्यार के करो से ना करिए, तो कुछ कुछ ऐसे सॉन्ग होते हैं कि हम गुनगुना देते हैं। खेसारी जी उनकी बॉडी कितनी शानदार है, पवन भैया हैं उनका भी अच्छा बॉडी है। पवन सिंह जी ने सोमिया पोखरियाल को कमिटमेंट कर दिया गाना देने का और उसके बाद गाना शूट करके गाने से उनको निकाल दिया। कल्लू जी को क्या लगता है कि उनको गाने से निकाल करके सही किया गया या गलत? इसमें हम बोलेंगे नो कमेंट्स, इसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। टांग में गोली लग गया है स्टेज परफॉर्म करने के दौरान ही। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हमारे साथ बहुत सारा स्टेज शो किया उन्होंने, बहुत अच्छे सिंगर हैं। हम जब 9 या 10 साल के थे तब मुझे भी पैर में गोली लगी थी वहीं फायरिंग के दौरान। खुशी मनाइए, सभी कलाकारों से निवेदन है कि खैला बगैर क्यों नहीं कमरे वाला, अच्छे अच्छे जगह पे शो होता है शो कीजिए, फायरिंग हो कार्यक्रम बंद कर दीजिए, उसके बाद देखेंगे आगे होता क्या है। कोई आपको जबरदस्ती नहीं करवाएगा, एक यही तो है हम लोग के पास कि कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। पूरी में बॉडी को लेकर के मार चल रहा है, वो कह रहे हैं कि हमारे बॉडी ऐसा बा, वो कह रहे हैं कि हमारे बॉडी ऐसा बा। ये अच्छी बात है, ये ऐसा होना चाहिए टसन, ये कॉम्पिटिशन ये हम तो देखे नहीं है न्यूज, लेकिन अगर ये हो रहा है तो ये अच्छी बात है। मानिए उनका बात सुन के लग जाएगा, मैं हमको ही लग जाएगा बॉडी को बात कर रुक, हमको सुबह समझा लगा कि तक ऐसे लगी है पैसे कमर ही लाइव सगुन प सगुन प सगुन प हो तो हर तंडोले हो तो हर मंडोले तो हर तंडोले तो हर मंडोले अमर फंडोले नागिन धुन प। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुड्डू राजा 777 है और आप लोग देख रहे हैं स्टार न्यूज। दोस्तों हमारे साथ भोजपुरी के सुपर स्टार सिंगर अरविंद अकेला कल्लू जी हैं। कल्लू भैया सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, गाना आते ही ट्रेंडिंग में कैसा लग रहा है सुनकर के? किरा बढ़िया ना लगी। सबसे पहले तो सभी लोग को बार बार प्रणाम और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके कैमरे के पीछे जो हमारे भाई हैं उनको भी धन्यवाद, सत्या भाई और जितने भी आपके टीम के लोग हैं कि आप लोग इतने दूर से भोजपुरी के लिए आए हैं। कल्लू के लिए तो आप लोग कल्लू को प्रेम करते हैं, कल्लू भाई को, लेकिन आप लोग भोजपुरी के लिए आए हैं तो इसके लिए दिल से धन्यवाद। ये प्रेम हमेशा याद रहेगा। और नाच रपत्र की 3.2 आप लोग देख रहे हैं, नीचे नाग देवता ऊपर नागिन जी, और इधर ये देखिए स्टाइलिश सपेरा है, ऐसा सपेरा पूरा दुनिया में नहीं मिलेगा। ये सपेरा जब बांसुरी या बीन बजाता है तो रियल वाले नाग देवता नहीं आते हैं, नागिन नहीं आती हैं, ऐसे ऐसे हॉट नागिन आ जाती हैं। भैया अपने गाने में इतना हॉट नागिन को नचा रहे हैं मतलब हम ही को डर लग रहा था कि ये नागिन कहीं हमको ना डस ले। वाकई बहुत अच्छी परफॉर्मर है और एनर्जी का क्या कहना, बहुत एनर्जेटिक एक्ट्रेस हैं। कल आप लोग इवेंट में देख भी रहे होंगे कि पहली बार पब्लिक के बीच में इवेंट हुआ सॉन्ग को लेके, और कंटिन्यू परफॉर्मेंस कर रही थी, तो उनके साथ काम करके वाकई बहुत अच्छा लगा। और शिल्पी राज जी ने आवाज़ दिया है तो उनको भी मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि कैमरे के आगे वो नहीं है लेकिन कैमरा के पीछे उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और कल है अरविंद अकेला कल्लू जी भी बहुत ज़्यादा खुश थे तालियों का गड़गड़ाहट सुनकर। हाँ देखिए हम लोगों को क्या चाहिए, कलाकार को प्यार चाहिए, और पहली बार बद्री भैया ने कुछ सोचा, कुछ अच्छा सोचा कि नहीं। जैसे आप बॉलीवुड में देखते होंगे सॉन्ग का प्रमोशन, फिल्मों का प्रमोशन, लोग कॉलेज में जाते हैं सारे स्टूडेंट्स के बीच, पब्लिक के बीच में, तो भोजपुरी में हमको लगता है पहली बार हुआ ये। अभी इसके के बीच आकर के इसके पहले खेसारी जी का भी हुआ था, तो वो एक रिसॉर्ट में हुआ था, वो भी बहुत अच्छा इवेंट था। पवन भैया का भी बहुत सारे इवेंट होते हैं, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट कुछ न्यू लगा कि हम लोग लाइव परफॉर्म कर रहे थे और लाइव रिएक्शन मिल रहे थे, तो ये अच्छा। भैया सब लोग ये भी कह रहे हैं कि अरविंद अकेला कल्लू जी ने भोजपुरी में एक नया लकीर खींच दिया है, अब इसी लकीर पे भोजपुरी के बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार जो है रेंगने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि भोजपुरी में थ्री पार्ट और इतने बड़े लेवल का गाना ऑडियंस को देख करके मजा आ गया। तो जब हम लोग अनाउंस किए थे 6 महीने पहले ही वर्क जब चालू हुआ, तो हो सकता है आया भी होगा, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ ऐसे लेवल पे वीडियो करना ऑडियो करना ये हम नहीं कर सकते थे, मेरी पूरी टीम की मेहनत है। और बनाइए क्यों नहीं, अभी 2.0 सबका आ रहा है और सब डिमांड भी कर रहे हैं, 3 भी बनाइए 4 बनाइए। अरे यार अच्छा अच्छा कंटेंट बनेगा तो भोजपुरी अभी एल्बम की दुनिया में आप देख ही रहे हैं कितना ग्रोथ किया है, कितना इम्प्रूव किया है, तो खुशी की बात है। और सब लोग करिए, सब लोग मिलजुल कर रहिए। भैया क्या
अरविंद अकेला कल्लू जी ने जो काम किया है, कभी विवाद में नहीं रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतना बड़ा गाना लेकर के आए और आते ही गाना ट्रेंडिंग में भी है, 5 मिलियन व्यूज प्लस भी है, मतलब कहीं से कोई कमी है ही नहीं। उसके बावजूद भी भोजपुरी में जो अन्य अन्य सुपरस्टार है वो लोग लगातार विवाद करके भोजपुरी को बदनाम करने का काम करते हैं, क्या लगता है सही है या गलत? विवाद कोई शौक से थोड़ा ना करता है, विवाद एक लाइन बोला जाला कि प्यार कल ना जाला प्यार हो जाला, तो ऐसे विवाद कल ना जाला विवाद हो जाला। चाम के जी भक्को भक्को पर लटपटा जाला, हमरों से एक बार लटपटा ले तो हम तो भैया सीधे माफ़ी मांग ले रहे और दर्शक हमारे माफ़ भी कर दे, वैसे ही होता है फ्लो फ्लो में कुछ ऐसा। कभी कभी आदमी एक चीज़ है, हम वैसे तो प्रवचन करता नहीं है या नहीं मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेकिन एक चीज़ हमने यही सीखा है कि कभी भी खुशी में या कभी भी गम में कोई भी ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए कि आगे चल के अब इन्हें कि हम बोल दें कि हाँ भाई कुछ नहीं यार, मैं तुमको 5 लाख रुपया देता हूँ ना, आप जोश जोश में तो बोल दिए, अब आगे चल के आप भी आस लगाए कि कल्लू भी हुआ हमको 5 लाख रुपया दिया, अब हम भूल गए कि क्या हम बोले थे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बोलने बोलने में कुछ बोला जाता है और वो चीज़ ले के तिल के ताले जब बन जाना, तब कुछ लोग बा ऐसा कि हमारे यूट्यूबर भाई लोग के भी कंटेंट मिल जाला तो लोग और एकदम लगा बेटा एकदम, तो उन लोगों को व्यूज़ मिलता है और हमारे सुपरस्टार लोग को भाई बदनामी मिलती है, वो लोग भी नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो, लेकिन हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से भोजपुरी में बॉडी को लेकर के मार चल रहा है, वो कह रहे हैं कि हमार बॉडी ऐसा बा, वो कह रहे हैं कि हमार बॉडी ऐसा बा, ये अच्छी बात है, ये ऐसा होना चाहिए। टसन ये कॉम्पिटिशन ये हम तो देखे नहीं है न्यूज़, लेकिन अगर ये हो रहा है तो ये अच्छी बात है, मानिए उनका बात सुन के लग जाएगा, मैं हमको ही लग जाएगा बॉडी की बात कर तो रुक, हम वो सुबह से समझाया लगा। अभी भैया भी कहिए ना कि हमार बॉडी ऐसा बा, देखिए इतने कम एज में हमार बॉडी कैसा तो थोड़ा बहुत जाते हैं, थोड़ा बहुत क्योंकि टाइम कम मिल पाता है, हम कम निकाल पाते हैं भी बोल सकते हैं, या थोड़ा बहुत हम भी काम के प्रति रहते थोड़ा बहुत थक जाते तो नहीं जा पाते हैं, तो ये अच्छी बात है। अगर बॉडी को लेकर चल रहा है तो 8 साल हमने के भोजपुरी में कम थोड़े ना बनी सर, एकदम बॉडी सब लोग के बनावे के चाहिए, क्योंकि फिट देखिए अब वो दौर नहीं कि आप कैसे भी आइए और लोग आपको पसंद करें, कुछ नया होना चाहिए बॉडी को लेके या गाने को लेके फिल्मों को लेके होना चाहिए। ये अच्छा लगा, ये भी बात ठीक है, मस्त है। देखिए हमारे भोजपुरी में खेसारी जी, उनकी बॉडी कितनी शानदार है, पवन भैया हैं उनका भी अच्छा बॉडी है, हमारे विक्रांत भाई हैं, विक्रांत भैया आप लोग उनको जानते ही होंगे, बहुत अच्छे हमारे, आपकी बॉडी भी तो बहुत अच्छी है। अरे ठीक है, हम फिट हैं, बस हम फिट रहना चाहते हैं। हाँ आगे चल के मैं भी अब ये नहीं बोलूँगा कि 6 महीने या साल भर के अंदर, लेकिन मैं भी कोशिश करूँगा कि कुछ परफेक्ट और कुछ अच्छा, हमको ऐसे नहीं, हमको मतलब ठीक ठाक बॉडी में भी बनाऊँगा। लेकिन जो भोजपुरी में फालतू के विवाद होते हैं, क्या उन सब को अब ख़त्म किया जाए और भोजपुरी को अच्छे काम से भोजपुरी को बढ़ाएं? नाच रे पत्थर की 3.0 ऐसा गाना है कि आप लोग सुनिए, अच्छे कंटेंट को प्यार दीजिए, अपने आप विवाद ख़त्म हो जाएगा। अपने समय को ना करो बर्बाद और खत्म करो विवाद। भैया अभी हाल ही में फिल्म भी रिलीज हुआ है शादी मुबारक, उसको लेकर के क्या कहिएगा? अभी मैं शादी मुबारक हमारी बिहार यूपी झारखंड मुंबई गुजरात में फिल्म रिलीज हुई और मैं आनंद मंदिर में दर्शकों के बीच गया भी था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, महिलाएं भी आई थी। अब भोजपुरी बदल रहा है, अब अच्छे अच्छे फिल्मों को रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन फिर भी भैया हमारे भोजपुरी को देखने वाले सुनने वाले 40 करोड़ की आबादी है और फिल्म को जब रिलीज किए तो उस टाइम देख करके ऐसा लगा कि हाँ यार जो रिस्पॉन्स हमें चाहिए वो रिस्पॉन्स नहीं मिला। कुछ क्या है कि कुछ मायने रखता है कि हमारे सिनेमा कहाँ लग रही है, पब्लिसिटी, हमारे एक्टर जो है, हम जैसे हम ही हैं, हम लोग भी बहुत कम समय निकाल पाते हैं, तो अब लगना पड़ेगा प्रमोशन में, अब लगना पड़ेगा अच्छे अच्छे सेंटर में लगाने के लिए, तो अब धीरे धीरे देखिए धीरे धीरे ही होगा ना, 1x1 स्टेप बाय स्टेप होता है। तो अब कैसे मैंने बोला कि अब बदल रहा है भोजपुरी, अब अच्छे अच्छे सिनेमा बनने लगे, अभी मैं संकट मोचन हनुमान करने जा रहा हूँ, मेरे जीवन साथी मैंने किया, तो अब अच्छे अच्छे सिनेमा आएंगे तो अपने आप दर्शक चेंज हो गए और दर्शक आएंगे फिल्म देखने। भैया जो आप बता रहे हैं फिल्म करने जा रहे हैं, उस फिल्म की तैयारी मतलब बॉडी को लेकर के क्या क्या डिफरेंस जो है इस लुक से देखने को मिलेगा? सब्जेक्ट अलग है, कंटेंट चलते हैं, मैंने इसके पहले ही बताया कि अब जमाना गया कि हीरो के नाम पर फिल्म चल जाएगी, नहीं, हीरो के साथ साथ अब कंटेंट चल रहे हैं, कंटेंट बहुत ज़बरदस्त हैं, चंदन उपाध्याय जी ने बहुत मेहनत किया है और मुझे उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि जब उसका फर्स्ट लुक या टीजर आएगा तो गुड्डू भाई और जितने भी यूट्यूबर्स या जितने भी मीडिया से जुड़े लोग हैं आप लोग बोलेगा कि नहीं कल्लू भाई सिनेमा ये होता है सिनेमा, जैसे आप लोग गाना देख के बोले कि ये है भोजपुरी का गाना, वैसे ही बोलेंगे कि नहीं यार तुम सिनेमा बनाए हो। भैया इस गाने को लेकर के थोड़ा बात करते हैं, क्या इस गाने को अरविंद अकेला कल्लू जी की वाइफ ने देखा है और अगर देखा है तो क्या रिएक्शन आया है?
गाना रिलीज हुआ 7 बजे, 7:30 बजे मैसेज आ गया था कि मतलब जबरदस्त, मतलब जब से आपसे जुड़ी हूँ तब से ऐसा वीडियो मैंने नहीं देखा। क्योंकि आपने पहले बताया कि वो भोजपुरी बहुत कम सुनती थी, लेकिन इस गाने को सुनने के लिए वो इंतजार कर रहे हैं। कम सुनती थी लेकिन अब भोजपुरी उनको बना दिए हैं। इतना ना भोजपुरी गाना हम लोग आते हैं या हम भी देखते हैं तो देखिए हम कभी भी शर्म महसूस नहीं करते कि अरे यार हम भोजपुरी में काम करते, क्यों भोजपुरी में काम करते हैं, चोड़िया के बोलते हैं नहीं हम भोजपुरिया हैं, हमें शर्म। आज हमको लोग जानते हैं, 10 लोग जानते हैं, 10 लाख या 10 करोड़ जानते हैं तो भोजपुरी की वजह से जानते हैं। तो मैं उनको भोजपुरी गाना दिखाता हूँ, अगर उनको नहीं समझ में आता है तो एक मतलब बताता भी हूँ, 10 मिनट पहले लग जाता है बताता हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं बहुत बहुत बवाल वीडियो, बहुत सुंदर म्यूजिक से लेके वीडियो, मतलब लग ही रहा है कि भोजपुरी का वीडियो है। कल्लू भैया का भैया का भी रिस्पांस जो है बहुत ही, छोटे वाले भाई हैं वो फ़ोन किया बोला खतरनाक, मतलब हमारे फैमिली में मतलब दर्शकों का तो कमेंट आते हैं लेकिन जो मेरे फैमिली हैं उन लोग का पर्सनली मैसेज आया कि नहीं मतलब बहुत बहुत गर्दा वीडियो है। वो जहाँ ऑफिस में काम करते हैं वहाँ से भी ये आया कि भाई हम भोजपुरी का गाना नहीं देख रहे, जब वो ऑफिस में देख रहे हैं वो नहीं। लेकिन सभी लोग जैसे कोई कोई सॉन्ग होता है इतना वायरल होता है इंस्टाग्राम पे तो लोग देखते हैं, लेकिन जब उसने चलाया और बोला कि मेरे भाई का गाना है भोजपुरी है तो उन लोगों ने उन लोग का एक ही मतलब ये जवाब था कि ये भोजपुरी का गाना है। तो देखिए अब सोच बदल रही है, अब बदलेगा। आज हरियाणवी सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग, बॉलीवुड के सॉन्ग, साउथ के सॉन्ग, एक आया था ना वो अंटावा या सामी, मतलब ये सब सॉन्ग हमारे बिहार यूपी में बजे हैं। साउथ का गाना बिहार यूपी में बजाता है तो भोजपुरी का है ना बाजी हर जगह और बजाता है। भैया अभी हाल ही में एक भोजपुरी को लेकर, भोजपुरी के एक बहुत अच्छी सिंगर है, बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया, उनके टांग में गोली लग गया है स्टेज परफॉर्म करने के दौरान ही। तो भोजपुरी भैया ये सब सुन करके कभी कभी दुख होता है कि नहीं, कि जिस ऑडियंस को हम वहाँ इतना प्यार करते हैं, वहाँ उनके बीच जाते हैं उनका प्यार लेने के लिए, और वहाँ कुछ लोग जो हैं वो ऐसा कर देते हैं। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हमारे साथ बहुत सारा स्टेज शो किया उन्होंने, बहुत अच्छी सिंगर हैं। हम जब 9 या 10 साल के थे तब मुझे भी पैर में गोली लगी थी वहीं फायरिंग के दौरान। खुशी मनाइए, आप हमको बुला रहे हैं दर्शकों के लिए अपने लिए, खुशी मनाइए, लेकिन खुशी में किसी को ऐसा काम मत कर दीजिए कि वो खुशी गम में बदल जाए। हम फील कर सकते हैं कि कितना दर्द होता है। गोलू भाई को भी लगा था, हम हॉस्पिटल में गए थे मिलने भाई को, तो अपना दिन याद आने लगता है। मतलब जब मैं छोटा था जब लगा था, जब मैं मतलब 2-4 दिन बाद ही मैं मतलब मेरा शो था, उस समय कंटिन्यू शो होते थे तो मैं चेयर पे बैठ के मना कर दिए थे पार्टी के, नहीं आराम कीजिए, लेकिन फिर भी मैं चेयर पे बैठ के, क्योंकि कलाकार कभी घर पे नहीं बैठता है, जो आदमी दर्शकों के बीच रहे वो अकेले नहीं रह सकते, तो मैं शो करता था। भैया यही नहीं रहेगा तो हम कैसे डांस करेंगे, कैसे चलेंगे, कैसे फिरेंगे? आपकी एक छोटी सी खुशी और एक कलाकार की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। लाइव परफॉर्मेंस इसीलिए बहुत कम ऐसे कलाकार हैं जो करना बंद कर दिए हैं, यही रीजन है। तो पहली बात तो सरकार का ऐसा बात नहीं है, सरकार पाबंदी लगाई है, अगर आप पिस्टल लेकर डांस करते हैं तो उस पर कोई ये FIR नहीं होता, सीधे अरेस्टिंग का मतलब ऑर्डर है। बहुत सारे लोग हमारे जिले में चाहे अदर जिले में हर सरकार ये नियम निकाली है कि पिस्टल लेकर क्यों डांस करेंगे यार, ये कौन सा रंगदारी है? आप अगर खुश हैं पैसे देते हैं, खुश बात तो सोने का सिकड़ी देता, अंगूठी देता, गोली मतलब 200 रुपये का गोली मार दे कि जीवन में बर्बाद हो जाओ। तो ये जो भी हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। और जितने भी कलाकार बंधु हैं हमारे शो में, जब गोली चलता था तो मैं रोने लगता था, मेरा सुर ही मतलब क्योंकि वो फ्लैशेज आने लगते हैं तो मैं शो नहीं कर पाता था। तो हमारे शो में अगर गोलीबारी चलता है चाहे कितना बड़े आदमी हो, हम बोलते हैं भैया अगर आप लोग ये गोलीबारी कीजिएगा, अगर आप चलाइएगा तो हमको माफ़ कर दीजिए, मैं जाके बैठ जाता हूँ वहीं पे, मैं अपना कार्यक्रम बंद कर देता हूँ। क्या होगा, आपके दरवाजे पे आए आप 10 बात बोलेंगे ना, तो 10 बात मैं बोलूँगा, इज्जत सम्मान पे थोड़ा सा ये होगा, लेकिन हम आगे चल के आपके यहाँ नहीं आएंगे। तो ये जो भी गोलीबारी हो रही है सभी कलाकारों से निवेदन है कि जब भी ऐसा फायरिंग हो, कई सारे ऐसे डांसर्स हैं जो डांस करती हैं और उनको गोली लगता है और उनकी मौत भी हो गई है, तो सभी कलाकारों से निवेदन है कि खैला बगैर क्यों नहीं खमरे वाला, अच्छे अच्छे जगह पे शो होता है शो कीजिए, फायरिंग हो कार्यक्रम बंद कर दीजिए, उसके बाद देखेंगे आगे होता क्या है, कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं करवाएगा। एक यही तो है हम लोग के पास कि कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है, 2-3 चीज़ ऐसे हैं, विद्या है, अगर हम पढ़े लिखे हैं तो मेरा कोई नहीं ले सकता है, आप अगर जेवर गाने पर तो वो कोई छीन सकता है, लेकिन पढ़ाई कोई नहीं ले सकता है, गायकी हम गावे तो नहीं, हमारे गला से गावे के बाद तो कोई और कैसे ले सकता है। तो जहाँ भी हो ये बहुत गलत हुआ है और बहुत
दुखद घटना है, बहुत दुख की बात है कि हमारी इंडस्ट्री के सिंगर जो इतनी खुशी से गा रही थी, मैंने एक छोटा सा वीडियो देखा और उनको जांघ पर लगी हुई गोली, मेरे को भी यहीं पर गोली लगा था, तो बहुत तकलीफ होता है, बहुत दर्द होला भैया, एगो सुई लेवे में इतना लोग डराला तो गोलिए लागल भर, तो बहुत ये गलत हुआ है भोजपुरी के लिए, मतलब आए दिन ऐसा ऐसा घटना हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भैया अभी हाल ही में एक और विवाद चल रहा है भोजपुरी में, ऐसे तो विवाद होना ही नहीं चाहिए हमारे हिसाब से भोजपुरी को, विवाद कर करके भोजपुरी को कुछ लोग जो है बदनाम करके रखे हैं। अभी हाल ही में एक छोटा सा और विवाद चल रहा है, स्टेज पे आप भी खड़े हैं, राकेश मिश्रा जी भी खड़े हैं और साथ में अनुपमा यादव भी खड़ी हैं, वो एक गाना गाती है पियर फराक वाली और उधर से रिएक्शन आता है कि हम अपना गाना गाएंगे दूसर का गाना हम काहे गाए, मतलब क्या लगता है भैया क्या ऐसा भी होना चाहिए स्टेज पर? शो हमारे हम लोग के घर पर ही था, राकेश मिश्रा जी का भी वहाँ पर बहुत अच्छा संबंध है, सब लोग वहाँ पे रिलेशन में गए थे, मऊ में कार्यक्रम था बड़का गांव में और हम भी थे मंच पे, और वो हमको लगता है 3 बजे सुबह की बात है, 2-2.5 बजे सुबह की बात है, सबकी अपनी अपनी सोच है कि होता है कभी कभी किसी को हर्ट हुआ होगा, राकेश भाई को भी हर्ट हुआ होगा कुछ चीज़, तो भाई अपना उन्होंने बात बोला और भी बात इस सब पे नहीं होना चाहिए, हम तो भैया हम क्या बोले, अगर ट्यून बजता है गाना गा रहे ट्यून अगर खेसारियों भाई के बाद चला तो हम तेरे मनी होगा दी ना कि ये प्यार कल परसों के कल न रहे भुला गई वैसे जैसे भइल न रहे, तो वो अच्छा लगता है गाना, हर कलाकार का एक ही गाना जो होता है कि ना चाहते हुए भी हम लोग गाड़ी में सुनते हैं, पवन भैया के हम गाना एगो गाई ना कि दुनिया में सब कुछ करिए बतिया कहीं प्यार के करो से ना करिए, तो कुछ कुछ ऐसे सॉन्ग होते हैं कि हम गुनगुना देते हैं गाना गाना, अरे यार हम लोग भी सिंगर हैं, हम लोग इतने साल से गा रहे हैं, हमारा ही इतना सारा सॉन्ग है कि हम गाते रहेंगे तो 3-4 रात गुजर जाएगा, तो कभी कभी हम गुनगुना देते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी जीने का तरीका है, अलग अंदाज बा क्या तो, मतलब राकेश मिश्रा जी ने नहीं गा करके और जो शब्द कहा है वो सही किया है या गलत किया? बोला ना कि मेरा अपना स्वाभिमान है, तो स्वाभिमान भाई सबको स्वाभिमान ही होना चाहिए, मैं उनके बारे में क्या बोल सकता हूँ, उनकी अपनी सोच, लेकिन ये सब छोटी छोटी चीजों पे आप लोग गा देते तो शायद ऐसा नहीं होता भोजपुरी में, ये एक नया कंट्रोवर्सी, गा भी देते ना तो भी कुछ लोग गाली देते उनको, नहीं गाए तो भी गाली दे रहे, तो ऐसा तो मतलब ये बल्कि चीत भी गलत पट भी गलत, तो ऐसा हो गया माहौल है सोशल मीडिया का, हम कहीं कुछ चीज खातिर अच्छा बात कुछ चीज खातिर थोड़ा बहुत गलत भी बात। अच्छा एक और लास्ट सवाल रहेगा, भोजपुरी में एक और विवाद चल रहा है, मतलब ये भी विवाद नहीं होना चाहिए, फालतू का विवाद, भोजपुरी में खाली विवाद है गरीब बता रहा है, फालतू का विवाद है, कहा जा रहा है कि पवन सिंह जी ने सोमिया पोखरेल को कमिटमेंट कर दिया गाना देने का और उसके बाद गाना शूट करके गाने से उनको निकाल दिया, मतलब एक कलाकार के नाते क्या सोचते हैं, क्या किसी के साथ ऐसा? मैं अगर एक कलाकार हूं तो मुझे सबके साथ काम करना है और कोई भी ऐसे स्टेटमेंट मैं नहीं दूंगा जिससे किसी को हर्ट हो, जिससे किसी को ठेस पहुंचे, अगर मैं मन से भी बोला था जिंदा सब महोत्सव में कि मैं एक ऐसा कलाकार हूं, मुझे अपने आप पे गर्व होता है कि मैं अगर गलती किया हूं और हमारे साथ ऐसे रहने वाले लोग हैं जो मुझे बताते कि नहीं तुम गलत किए हो, ही ना कि भैया ना भैया बहुत बड़े, नहीं मैं अपने साथ ऐसे लोग को रखता हूं जो बताते कि नहीं भैया तुमने गलत किया, तुमने भाई गलत किया, तो मैं आके माफ़ी भी मांगता हूं, मुझे नहीं शर्म होता है, गलती करने से बड़ा होता है गलती को एक्सेप्ट करना, तो मैं गलती एक्सेप्ट करता हूँ और मैं कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे किसी को ठेस पहुँचे, तो एक कलाकार को सबके साथ काम करना चाहिए और एक कलाकार के कैरियर बनाने में लोग को लगता है यूट्यूब पायल गाना हिट हो, नहीं उसके पीछे उसका स्ट्रगल देखिए कितना मेहनत किया है, तो एक नाम बनता है, नाम में भी एक अच्छा नाम बनता है, किसके वजह से ये जो हमको देख रहे हैं दर्शक के वजह से, अब यहीं मेरा विरोध करने लगेंगे यहीं नहीं देखेंगे तो हम अपने लिए थोड़ा ना गाना बनाएंगे, तो अगर दर्शक बुरा मान रहे हैं तो कलाकार सोचता है कि नहीं यार दर्शक को बुरा लग रहा है तो हमें वो गलती नहीं करना चाहिए, तो हो सकता है उनकी ये सोच होगी, और कभी कभी होता है आदमी, मैं इसमें नहीं बोलूँगा कि उन्होंने क्या बोला उन्होंने क्या बोला, मैं अपनी बात ये रखता हूँ कि हमें हमेशा अच्छा काम करना चाहिए ताकि अच्छा नाम हो, भोजपुरी का मान सम्मान बढ़े, हमारी ये सोच पर। अरविंद अकेला कल्लू जी को क्या लगता है कि उनको गाने से निकाल करके सही किया गया या गलत? इसमें हम बोलेंगे नो कमेंट्स, इसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, चाहेंगे चलते चलते ये गाना 2 लाइन हो जाए कि तक जनिया से लगी है पैसे कमर ही लाई सगुन प सगुन प सगुन प हो तो हर तो हंडोले हो तो हर मोहंडोले
तू हर तोंडोले तू हर मांडोले अमर फोंडोले नागिन धुन पा। चलिए भैया इतना समय दिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू। चलिए दोस्तों तो अब देर मत कीजिए, फटाफट जाइए रील बनाइए इस गाने पे और कल्लू भैया को टैग कीजिए। अगर आपका रील पसंद आता है कल्लू भैया को तो 5 लोगों को अरविंद अकेला कल्लू जी एक अच्छा सा जो है गिफ्ट देंगे। चलिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए।